हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल, और मैं हूं ब्लैक साउथ। आज मुकाबला होने वाला है टीम डी बनाम मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड के बीच में। जी हां, पहले भी इनके बीच में एक राउंड युद्ध हुआ था जिसके अंदर टीम डी की स्क्वाड 7-2 से विजय रही थी। तो आज फिर से इन दोनों टीमों के सामने मैच होने वाला है, और जिस हिसाब से मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड ने वापसी करी है दूसरे मैच के अंदर, लगता नहीं है कि इस मैच के अंदर ये टीम डी के बंदों को वसकने वाले हैं। जी हाँ, फर्स्ट ब्लड दिखता हुआ है बात करते साइडिंग की तरफ से, और महेंद्र की तरफ से भी लाल अक्षर देखने नजर आए हमें बात करें तो जेडी को। तो देखते हैं कैसा बैटल होने वाला है, क्योंकि हमें बात करें लास्ट मुकाबला जो हुआ था, पहले टीम डी की स्क्वाड ने एक तरफा डोमिनेट किया था मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड के ऊपर, पर उसके बाद जब वापसी करी मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड ने मजेदार करी, पर इतने ज्यादा राउंड नहीं बचे थे तो वापसी करता है टीम। तो इस बार इनके पास मौका भी है, दस्तूर भी, और टीम डी के स्क्वाड इनके सामने फिर से। तो जेडी, नेवर, सैडी और साथ ही साथ राज, यह पूरी मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड सामने है। टीम डी के दो बंदे, 2v3 सिचुएशन है। जी हाँ, दूसरा मैच आमने सामने दोनों टीमें, पहले राउंड में ही बता दिया है मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड ने कि वो मैच ये जीतने के लिए आई है। टीम डी की स्क्वाड से बात करें तो टी आई और डी महेंद्र दो ही दुकेले बंदे बचे, तो दुकेले उसके सामने तकेले बंदे, दुकेले वर्सेस तकेले होने वाले हैं। तो तकेले में कौन से भारी पड़ने वाला है किस पे, तो देखते हैं। यही बनाब महेंद्र, यही बचे, यही और महेंद्र दोनों एक साथ हैं। सामने तीन बंदे, नेवर, सैडी और राज। तो आप देखने वाली बात होगी, उम्मीदें काफ़ी है मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड से। तो देखने वाली बात होगी बैटल कैसा करने वाले जब सामने टीम डी के दो ही बंदे, प्रेशर बिल्कुल चरम पे है, पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं दोनों स्क्वाडों की, क्योंकि यहाँ पर 2v3 सिचुएशन ऐसी है। अगर मुन्ना भाई की स्क्वाड ने एक बंदा नॉक किया, नॉक गया तो मैच जीत जाएंगे, और नॉक हुआ तो मैच अब बराबरी पे है जनाब। 2v2 की फाइट होने वाली, और जबरदस्त वापसी करते हुए नजर आ रही है यहाँ पर टीम डी की स्क्वाड। तो हमारे सामने बात करें तो, और महेंद्र डबल किल करते हुए नजर आ रहे हैं, और बात करें अकेले सैड ही रह गए अभी इनके सामने 2v3 सिचुएशन से। पर यहां पे वापसी जर करी इन्होंने जोरदार, और सामने बंदे को देखा है, वॉल काफी अच्छी लगाई है, 1-2 सिचुएशन होती हुई नजर आ रही है, और अबे जोन कंटिन्यू खा रहा है, और मैच भी ट्रिपल किल दिखती हुई, और इतने में टी आई का हेडशॉट आया ऊपर से, और 1-0 से लीड में दिला दिया है टीम डी को। सेकेंड राउंड है, जी हाँ, क्लॉक टावर का राउंड है, क्लॉक टावर सॉरी केप टाउन का ये राउंड बना है। और बात करें दोनों टीमें आमने सामने दिखती हुई नजर आ रही है, सीधा सीधा रसप्राल देखने में नजर आ रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से। बात करें तो लड़ाई एक फ्रेंडली वर्सेस की, आमने सामने दोनों टीमें, जेडी के पीछे दो बंदे आ गए, देखा है पर डैमेज, ओए वर्सेस के अंदर भागे, ओए इतना लकी बंदा कैसे हो सकता है, पर अभी बॉल थोड़ी सी ठिकाने पर लग जाती तो ये भी बचते हुए नजर आते, और डीआरएन का फर्स्ट ब्लड सेकंड राउंड में आता हुआ नजर आ रहा है। बात करें तो 3v4 का ये मुकाबला है, दोनों टीमें आमने सामने होने वाली हैं। सैडी को यहाँ पे नॉक करके कंप्लीट करती हुई नजर आएगी मेरे ख्याल से टीम डी की स्क्वाड। महेंद्र का हेडशॉट है, 4 किल कर चुके हैं दूसरे ही मुकाबले में डी महेंद्र, तो क्या ही बैटल कर रहे हैं अगेंस्ट में टीम डी। तो देखते हैं पूरे बाहुबली की तरह महेंद्र खेलते हुए नजर आ रहे हैं टीम डी की स्क्वाड की तरफ से अगेंस्ट में। हर एक टीम के बात करें तो हर एक टीम के अगेंस्ट में इन्होंने परफॉर्म किया है, और डी आर्यन तो है कमाल तारीफ, ट्रिपल किल के साउंड राउंड दिला दिया है टीम डी की स्क्वाड को। इस वक्त टीम डी की स्क्वाड 2-0 से लीड में है, क्या पे मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड फिर से वापसी कर पाएगी, उम्मीद है काफी ज्यादा है इस स्क्वाड से, क्योंकि पिछले मैच में हमने इनकी झलकियां देखी थी जब इन्होंने वापसी कराना स्टार्ट किया था, पर इस बार भी हमने देखा था पहले ही राउंड में बहुत अग्रेसिव इनका गेम था, पर थोड़ा सा इस राउंड में थोड़े से डगमगा गए। तो देखते हैं तीसरे राउंड में कैसा बैटल करने वाली है दोनों ही टीमें, क्योंकि तीसरा राउंड है जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि शिपयार्ड का राउंड बना है, और इस वक्त 2-0 से लीड में दिख रही है हमको टीम डी की स्क्वाड अगेंस्ट में मुन्ना भाई गेमिंग। तो देखते हैं कैसी उम्मीदें हैं बंदों से, कैसा गेम प्ले करने वाले हैं अब बंदे, पास आते जा रहे हैं सामने से टीम डी की स्क्वाड सीधा सीधा रस ले रहे, ब्लैक ड्रेस में डी मैन सीधा रस लेते हुए MP40+ डबल बैरल के साथ सीधा रस लिया है, डैमेज देने की ट्राई है, पर वॉल मूवमेंट सबके पास, डैमेज डी आई डी आई का हेलमेट खोला है, पर यहाँ पर बात करें मुन्ना भाई का जेडी को गवा चुके, आर्यन का फर्स्ट ब्लड आता हुआ नजर आ रहा है कहीं से 4 किल के साथ, और दोनों बंदे का तो टीम डी की स्क्वाड अब मेरे को प्रेशर मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बंदे ने किसी ना किसी ना दो बंदों को लगाया है ठिकाने, और नेवर नेवर और मुन्ना भाई की स्क्वाड पर वापसी करती हुई नजर आ रही है, फिर से 2v3 सिचुएशन हो गई है। बात करें तो इस बार पर टीम डी के 4 बंदे हैं पूरे के पूरे, जी हाँ इस बार टीम डी के 3 बंदे हैं पूरे के पूरे, टीम एंड और साथ की साथ नेवर की ड्रेस सेम देखने में जा रही है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी दोनों स्क्वाडों के लिए। 2v3 सिचुएशन यहाँ पे 2 बंदे पूरे जी जान लगाएंगे, मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड यहाँ पे अलग ही लेवल गेम प्ले कर रही है टीम डी के अगेंस्ट, पर यहाँ पे टीम डी की स्क्वाड 3-0 से लीड में दिखती हुई नजर आ रही है, और ट्रिपल किल डीआई की नजर आ रही है इस मुकाबले के अंदर।
फोर्थ राउंड है जी हाँ, फोर्थ राउंड ऑब्जर्वेटी का राउंड मुकाबले में टीम डी की स्क्वाड 3-0 से बढ़त में दिख रही है हमको। क्या पे वापसी करेगी मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड, कहीं देर ना हो जाए लास्ट गेम की तरफ, वापसी करनी है तो अभी करनी है कभी, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बंदा उछल उछल के दे रहा है जवाब, यहाँ पे बात करें तो जे डी जी की तरफ ऊपर डी आई एन के वन ऑन वन सिचुएशन लेना चाहेंगे। डी रॉकर पीछे की तरफ बंदा ढूंढ रहे हैं कि बंदे हैं किधर, पर उनको बंदे नहीं मिल रहे, पर देखते सही आगे भटकी सारे बंदे नॉक होते हुए जा रहे हैं। सैडी की तरफ वापस आ गए, साइडी देख रहे थे बंदे कहाँ हैं, पर इतनी देर में एक सेकंड के अंदर पूरी स्क्वाड ही नॉक होती नजर आई। डी आई के डेजर्ट हेड आते हुए नजर आ रहे हैं 5 किल के साथ, साइडी अकेले सामने 4 बंदे पूरे टीम डी के। अब मुसीबतें, यह मुसीबतों का पहाड़ टूट के पड़ चुका है। मुन्ना भाई गेमिंग स्क्वाड मार डबल किल डी महेंद्र की फिर से, और 6 किल के साथ खेल रहा है डी महेंद्र इस मुकाबले में, और टीम डी इस वक्त 4-0 से लीड में है अगेंस्ट में मुन्ना भाई गेमिंग स्क्वाड। क्या पे फिफ्थ राउंड है, जहाँ फिफ्थ राउंड के अंदर में आ चुके हैं जो कि क्लॉक टावर का राउंड बना है। इस वक्त टीम डी की स्क्वाड के ऊपर 4-0 से लीड में है डी स्क्वाड, तो देखते हैं यहाँ पर मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड के वापसी करेगी इस मुकाबले के अंदर। देखने वाली बात मिल जाते हैं और टी आई सामने आ चुके हैं, बॉडी शॉट पर पूरा खेले हैं। यहाँ पर बात करें तो नेवर 4-on-4 सिचुएशन है दोनों तरफ, और आजकल बात में तो बंदे UMP40 जाए इसको ज़्यादा चलाना प्रेफर कर रहे हैं, शायद इसकी रेंज बेटर है इस वजह से MP40 को चलाना बंदे प्रेफर कर रहे हैं। तो देखते हैं बंदा सामने देखा है टी रॉकर के कैसे लाल लगने वाले हैं, क्या फिर खुद लाल खा गए। 3v4 महेंद्र का फर्स्ट बुलेट फिर से आते हुए नजर आ रहा है, महेंद्र अहम पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं टीम डी की तरफ से, एक और बंदे को लेते हुए नजर आ रहे हैं डी महेंद्र बाहुई वाली, और अब डबल किल और इतनी देर में डी आई को नॉक करके कंप्लीट कर दिया जाएगा। डी महेंद्र सीधा रस लेके आया, बंदे को किया नॉक किया, फिर बैकअप आया और अकेले रह गए जेडी। जेडी के सामने 3 बंदे होने वाले हैं टीम डी के, 1-on-3 सिचुएशन है। टीम डी की स्क्वाड चढ़ के खेल रही है मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड के ऊपर। आप सबको जैसे कि पता होगा हम 3 लाख फैमिली के बहुत ज्यादा करीब है, तो सब्सक्राइब बिल्कुल से करते हैं, वीडियो को भूलना नहीं है, सब्सक्राइब करना है, 3 लाख फैमिली करनी है। जहाँ एक बिग फैमिली, एक बड़ी फैमिली हमको बनानी है अपने लिए, तो देखने वाली बात होगी कैसा बैटल होने वाला है। अब 3-on-1 सिचुएशन खेलने वाले हैं, सामने इनके 3 बंदे हैं टीम डी के, अकेले जेडी वाईटी ऊपर आज के बंदे को देखा है, लाल अक्षरों में 2 नंबर मारे जैसे कि, अरे बाप रे, देखते से ही मजे आ गए यहां पे बात को। यार ये बंदा सच में लकी है, कुछ तो कुछ खका है, जुगाड़ पाई लगा का है लोटा, और यहाँ पे बंदा घुस गया है, और यहाँ पे चैप्टर क्लोज डबल किल। यहाँ पे बात करें डी रॉकर की आती हुई नजर आ रही है, और 5-0 से लीड मारी है टीम डी की स्क्वाड अगेंस्ट में मुन्ना भाई गेमिंग। सिक्स राउंड है जो कि मार्शल आर्ट्स के अंदर बना है, और बात करें मुकाबला काफ़ी जोरदार चलता हुआ नजर आ रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे टीम डी की स्क्वाड भी हार मानने का नाम नहीं देखने नजर आ रही है, और ना ही मुन्ना भाई गेमिंग की। फिलहाल 5-0 से लीड हमको टीम डी की स्क्वाड में दिख रही है, यहाँ पे स्क्वाड की लीड को इस बार तोड़ पाएगी मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड। तो देखने वाली बात होगी मुकाबला पिछले मैच जैसा होता हुआ नजर आ रहा है, पर यहाँ पर वापसी करी थी लास्ट गेम में, क्या इस बार वापसी करेगी, देखने वाली बात होगी। 3v3 का मैच है, और इतनी देर में एक हल्के से बाहर गए, अंदर आते आते लाल खा गए, और हेल्थ बिल्कुल 10 से नीचे रह गई। बंदा आया डैमेज दिया पर खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। 2v3 सिचुएशन है, महेंद्र आओ 9 किल के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, अकेले बच गए था पे मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड। अब वापसी कर रही है मुकाबले के अंदर, जी हाँ पिछले गेम में भी देखा, इस गेम में भी देखा, नेवर वापसी करा रहे हैं फिर से 4 किल के साथ, एक बेहतरीन उम्दा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। पर बात करें तो MGV नेवर, तो देखते हैं 2-on-1 सिचुएशन में झेलने वाले हैं डी महेंद्र को। टीम डी वन मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड का बैटल है, दोनों के बीच में फ्रेंडली वर्सेस चल रहा है, तो देखते हैं कैसी ये लड़ाई है इन दोनों ही टीमों के बीच में। कौन सी भी टीम जीते हेट बिल्कुल भी ना होनी चाहिए दोनों ही टीमों के दरमियान, क्योंकि दोनों ही टीमों के बीच में फ्रेंडली वर्सेस चल रहा है। जी हाँ, तो देखते हैं क्या कुछ घटित होने वाला है इस मुकाबले के अंदर। जेडी और नेवर दोनों बचे हैं, सामना खेले महेंद्र, तो महेंद्र के सामने दो बंदे हैं, तो 2 बंदों को क्या संभाल पाएंगे, सामने 2 बंदे महेंद्र के, क्या 2 बंदों को संभाल पाएंगे, क्या इनके अंदर प्रतिभा है 1-on-2 क्लच मारने का, क्या नहीं, तो देखते हैं। यहाँ पे घेरा जा रहा है डी महेंद्र को, हेल्थ 90 की है, यहाँ पे घेरा जा रहा है दोनों तरफ से डी महेंद्र को, सिचुएशन बिल्कुल क्रिटिकल होती नजर आ रही है। अरे बाप रे, लाल अक्षरों में खेलते हुए नजर आए डी महेंद्र, और ट्रिपल किल नेबर की आती हुई नजर आई, और वापसी कर रही है फिर से मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड इस मुकाबले के अंदर बहुत ही ज्यादा मस्त। 7th राउंड है, जी हाँ 7th राउंड के अंदर आ चुके हैं, और जो कि पोची नॉक के अंदर बनाए, दोनों टीमें काफी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं इस मुकाबले में। जेडी फिर से नॉक होते हुए नजर आ रहे हैं, किंग और भाई मिल पाएगा, जी नहीं, डी आई 6 किल के साथ फर्स्ट बुलेट निकाल चुके हैं, और अब वन टैप हेड मारने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है डी आई की तरफ से। पर अभी जो देखे हमने सिर्फ बॉडी शॉट देखे, क्या पे मार पाएंगे लाल अक्षरों में डी आई से, काफी उम्मीद है, 2 ही बंदे मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड के काफी अच्छा बॉडी शॉट दिए हैं, पर यहाँ पे नॉक हो गया, क्या इनको एक किल मिली है या नहीं, देखने वाली बात, एक और बंदा मुंह पाया
डीआई के कंधे ऊपर बंदा आगे पीछे ट्रिपल किल डीआई की देखते नजर आई और जाते जाते क्या अंगड़ बंगड़ हेड मार दिया और टीम डी की स्क्वाड को 6-1 से लीड में दिला दिया। जी हाँ, अभी जो राउंड हुआ था उसको बस हवा की तरह उड़ा दिया एक साथ, एक सेकंड में खत्म हुआ और मुन्ना भाई गेमिंग स्क्वाड पर प्रेशर फिर से बन चुका है। जी हाँ, वापसी करी पर उसको रोक दिया फिर से टीम डी की स्क्वाड ने। डी आई क्या ही ट्रिपल किल मारते हुए नजर आया जो मुन्ना भाई गेमिंग, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। मुकाबला हो रहा है बेस्ट वर्सेज बेस्ट दोनों ही टीमों के बीच में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक 25,000, जी हाँ जो भी न्यू आ रहे हैं 25,000 लाइक चाहिए वीडियो पे, जनाब लाइक बिल्कुल करते चलो और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करते चलो क्योंकि 3,00,000 फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो 3,00,000 फैमिली में जल्दी से जल्दी करनी है एक बड़ी फैमिली। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले के अंदर। 6-1 से लीड में है इस वक्त टीम डी की स्क्वाड अगेंस्ट में मुन्ना भाई गेमिंग की, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले के अंदर। देखते भाई साहब और क्या कुछ हेड मार दिए भाई साहब, क्या कुछ लाल मार दिए नेवर ने, लाल ही लाल दो तीन बंदों को सिरका दिए और क्या कुछ खेलते हुए यहाँ पे बात करें तो क्या कुछ यहाँ पे कर पाएंगे टीम एंडर। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले में टीम डी की स्क्वाड 6-1 से लीड में, क्या कुछ टीम एंडर करने वाले इस गेम के अंदर। देखने वाली बात होगी डी रॉकर की हेल्थ बहुत लो, क्या कुछ हील कर पाएंगे अपना आपको। देखने वाली बात होगी 3v3 है, क्या कुछ इस मैच के अंदर होने वाला है दोनों टीम आमने सामने, क्या कुछ होने वाला है, क्या यहाँ पे वापसी करने वाली है मुन्ना भाई गेमिंग की स्क्वाड, क्या कुछ अभी इस मैच के अंदर घटित होने वाला है दोनों टीमें, क्या कुछ पूरा देने वाली है 100% यानी यहाँ पे साइडी को नॉक लेने वाला है, ले लिया क्या है, लेने वाले नहीं है, ले लिया क्या और अकेले राज रहे हैं तो क्या कुछ कर पाएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या कुछ के चलते 7-1 से क्या कुछ कर दिया टीम डी की स्क्वाड ने अगेंस्ट में मुन्ना भाई गेमिंग और बेस्ट ऑफ 3 अपने नाम कर लिया बहुत ही प्यार से। 10 किल महेंद्र की रही, 9 किल डीआई की रही और 7 किल डी आर्यन की रही, 4 किल डी रॉकर की रही। अगेंस्ट में बात करें तो मुन्ना भाई गेमिंग की तरफ से 5 किल लेबर की रही, फिर से 2 किल सैडी की रही और 1 किल जेडी की और 1 किल राज की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर टीम डी के किसी भी बंदे का गेम प्ले पसंद आया तो YouTube प्लस Instagram की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर फॉलो करना बिल्कुल से ना भूलें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।